You have a voice as an artist. It's just getting your own confidence. I love showing up on the set and working with the writers and the directors and the other actors. I watch a lot of movies. Do you watch? You don't watch your own movies, do you? Those are the only films that I watch. अगर आप टॉम क्रूज़ के इंडियन फ़ैन हो जिनको टॉम क्रूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है और जाहिर सी बात आपको जानती भी अगर आप ट्रू फैन हो तो, लेकिन वो अगर आप उनके पूरे करियर को बिल्कुल शुरुआत से लेके मतलब बचपन से लेके अब तक देखोगे तो आपको साबित दिखेगा दादा दिखेगा कि क्यों है ये एक सुपरस्टार क्या, ये लिविंग लेजेंड क्यों है। मैं सिर्फ ऐसे सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी और भी मूवीज़ है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर मतलब तबाही ला रखी है। और आज हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज़ के बारे में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं इस पूरी वीडियो को डेडिकेट करता हूँ टॉम क्रूज़ को, ताकि मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि कैसे टॉम क्रूज़ ने सबको पीछे छोड़ा और कैसे अपने करियर में नंबर वन पे आए हैं। तो टॉम क्रूज़ सिंपली इस टाइम पे वो सैंड के पैसे, मतलब समझ लो आप लोग कि इस टाइम पे मार्वल डीसी से भी बड़े हैं, क्योंकि इनका जो स्टार पावर है वो किसी और टाइप पे हॉलीवुड स्टार का नहीं है। वो सिर्फ एक ही दुआ करते थे उस टाइम पे, बोलते थे कि काश मैं तो हैंडसम नहीं होता, क्योंकि जब मैं जवान था तो उस टाइम पे जो है ना मेरी एक्टिंग से ज़्यादा मेरे लुक्स की बात हुआ करती थी। जहाँ पे भी इंटरव्यू में जाते थे सब इनके बारे में, लुक्स के बारे में इनका कोई ना कोई बोलता रहता था, कोई ना कोई पूछता ही रहता था, जिस वजह से थोड़ा शर्माते भी थे, बोलते भी थे काश कोई मेरी एक्टिंग भी नहीं डालता, क्योंकि मैं एक्टिंग को लेकर हद से ज़्यादा पैशनेट हूँ, हद से ज़्यादा। ये गुड लुकिंग स्टार है जाहिर सी बात है, जिन्होंने अपने आपको सिर्फ 24 साल की उम्र तक सुपरस्टार बना लिया तो हॉलीवुड के अंदर, लेकिन कैसे और क्यों ये जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ये बहुत ही गुड लुकिंग तो है, लेकिन ये एक्शन हीरो भी है और सुपरस्टार भी है, लेकिन जो ये स्टंट्स करते हैं उसकी वजह से जो ये फेमस है वर्ल्ड पे, वो मैं आपको बता नहीं सकता। जाहिर सी बात आपने देखे होगी डायरेक्टर को, नहीं अगर आप इनके फैन हो तो भाई साहब क्या स्टंट करा था, मतलब पेनों से कूदना, पेनों पर अटकना, पत्थरों पर चढ़ना, पत्थरों से कूदना, कुछ भी कर देते हैं हर फिल्म को, हर मिशन पॉसिबल सीरीज के साथ उन्होंने अपना लेवल बढ़ाया ही है। हालांकि अभी 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन देखो 50 साल के उन्होंने ब्रूस खलीफा पर चढ़ गए थे और रस्सी के थ्रू कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कैसे भी कर रहे थे, लेकिन ये करते ही रहते हैं और ये दिखाते हैं कि मैं क्यों हूँ एक इतना बड़ा स्टार और क्यों मैं एक। टॉम क्रूज़ का जन्म 1962 में 3 जुलाई को न्यूयॉर्क में हुआ था, जहाँ पे उनके फैमिली थी, इनके जो 4 मेंबर थे फैमिली में पूरे इनको मिला के, और इनके पापा जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनके जो मम्मी जी हैं वो एक एजुकेशन टीचर थी। देखा जाए तो इनके पास जॉब्स अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो है इनके जो परिवार है वो फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहता था, मतलब पैसों की थोड़ी तंगी रहती थी, जिस वजह से टॉम क्रूज़ को जो है ना बड़ों की एक प्रीस बनाता था, मतलब वो नहीं होते चर्च में जाकर जो प्रीस होते वो बनाता है इनको, जिसकी वजह से इनके फादर जो है इधर उधर जाते रहते काम के सिलसिले में, जिस वजह से 14 साल की उम्र में कम से कम 15 स्कूल चेंज कर चुके, मतलब इतना काम होता था इधर से उधर जाने वाला। और 1971 में इनके पापा को जो है कैनेडियन आर्म फोर्स में वर्क जॉब मिल जाती है, जहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है कैनेडा में ओटावा में, और उस टाइम पे रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में अपना एडमिशन ले लेते हैं, जहाँ पे इनको पता चलता है कि इनको जो है ड्रामा में काफ़ी पैशन है, मतलब फिर ये अपने ड्रामा टीचर की गार्डियनशिप रहने के बाद कुछ ना कुछ प्लेज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। फिर इसके बाद ये प्राइमरी स्कूल के बाद ये जो 6 लड़के होते हैं मिलकर गाना वाना बनाते हैं जो इनके साथ में उस टाइम पर, और सही होता वो गाना, लेकिन इसका जो है ना इनके धीरे धीरे करके एक्टिंग की तरफ भी प्यार बढ़ता जा रहा था। जब इनकी मम्मी का डिवोर्स होता है 6 ग्रेड में इनके पापा से, तो वो वापस टॉम क्रूज़ और उनकी एक बहन को लेकर यूएसए आती है। क्रूज़ बताते हैं कि मेरा पापा से कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी बुली इंसान थे, इसलिए मेरी मम्मी ने उनको छोड़ा भी था। फिर 1978 में इनकी मम्मी दोबारा शादी करती है एक आदमी से, जो कि अपने सौतेले पिता है जैक स्वेथ। फिर इसके बाद टॉम जो है सेंट फ्रांसिस स्कूल में जाते हैं, एक चर्च में उनको स्कॉलरशिप मिली जहाँ पर वो कोर्स भी करते हैं चर्च का, ताकि वो पादरी बन सके। लेकिन इनका जो पैशन है वो बढ़ चुका था एक्टिंग को लेकर, जिस वजह से इनके जो स्कूल में जब जाते हैं तो ये फुटबॉल भी बहुत ज़्यादा खेलते थे, लेकिन इनको जो है नशे की ड्रग्स की मतलब कोर्ट शराब पीने की आदत पड़ गई थी, जिस वजह से इनको जो है ना इनको फुटबॉल मैच से पहले इनको स्कूल से लात मार के भगा जाता कि भाई नशा कर रहा है तो जाए यहाँ से, इनको निकाल दिया था बेचारों को, तो इनका जो है खत्म हो गया था। फिर 1980 में न्यू जर्सी में जब 18 साल के थे, तब अपनी मम्मी के साथ में न्यूयॉर्क में चले जाते हैं, और इनके स्टेप फादर बोलते हैं कि बेटा जाओ जरा एक्टिंग में लग तो अंदर परस्यू कर, अपना पैशनेट हो तो अपने उसको लेके। फिर इनका जो है एडमिशन होता है एक टॉप एजेंसी में, जहाँ पर इनको एक रोल मिलता है, आपने मूवी जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो यार नहीं मज़ा नहीं आया, देखनी चाहिए आपको। 1981 में एंडलेस लव में छोटा सा रोल मिलता है, फिर इसके बाद 1980 में दोबारा, फिर 1983 में आउटसाइडर, लेकिन उसी साल फिर जो है भी इनको मिलता है एक और मूवी जो कि रिस्की बिजनेस मूवी थी, उस टाइम इनको मिलता है, और ये मूवी जो है बॉक्स ऑफिस हिट हो गई थी उस टाइम पे, ये फिल्म ने काफ़ी ठीक ठाक इनका नाम बना दिया था, मतलब इनको देखा था कि हाँ सही है 1985 में। उसके बाद उनको एक मूवी मिलती है जिसमें था लेजेंड 1985 में, जहाँ पे इनके लुक्स की बात होती है, और उससे ज़्यादा ये बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी, जहाँ पे इनको काफ़ी अवार्ड नॉमिनेशन मिलते हैं। और फिर आती है 1986 में की करियर चेंजिंग मूवी टॉप गन मैवरिक, आपने ज़रूर देखी होगी यार, और ये सिर्फ $15 मिलियन बनी थी और इन्हें वर्ल्ड वाइड 57 मिलियन डॉलर कमाए थे, आज इनकी कीमत लगा लो फेसों को जोड़ने के बाद। फिर इसके बाद क्रूज़ इनकी शुरुआत हुई थी, जहाँ पे इनको जो है ना पहला फाइटर लाइसेंस मिला था, बाय द वे टॉम क्रूज़ के पास 17 से भी ज़्यादा लाइसेंस है, मैं बताता हूँ कैसे। फिर इसके बाद टॉम क्रूज़ जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, और धीरे धीरे टॉम क्रूज़ का जो करियर है वो अब
उड़ान लेने लगा था, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये जस्ट अभी शुरुआत है एक स्टार की। फिर ये कॉकटेल में आते हैं 1988 में, जहाँ पे ये मूवी हिट तो होती है लेकिन थोड़ा क्रिटिक्स के थ्रू इसको ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू बनता है, जहाँ की जिसकी वजह से टॉम क्रूज जल्दी दूसरी मूवी करते हैं रेन मैन, ताकि वो अपना करियर वापस ट्रैक पर लाए, और ये मूवी जो बॉक्स ऑफिस सेंसेशन बन जाती है, बहुत सारे ऑस्कर जीतती है, टॉम क्रूज को भी ऑस्कर मिलता है, मतलब कितनी उम्र में ऑस्कर ले लेता। फिर 1989 में बोन ऑन द 4th of July भी एक फिल्म करते हैं, इसके बाद इनको फिर ऑस्कर नॉमिनेशन मिलती है, क्योंकि टॉप 10 ग्लोबल बॉक्स ऑफिस में ये लोग आने लगे थे। 1980 में पीपल मैगजीन के बोलती है द सेक्सीएस्ट मैन अलाइव उस टाइम पे। फिर इनका उसी साल रिलेशनशिप बनता है निकोल किडमैन से, जिनसे मिले थे 1990 में। फिर इसके बाद इनकी जो है शादी वगैरह हो जाती है, इसके बाद इनकी जो बेबी है दो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, एक करते हैं 1992 में और एक करते हैं 1995 में। फिर इसके बाद इनका करियर चलता रहता है, और फिर आती है इनकी मूवी, मतलब टॉम क्रूज अपने करियर पर सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन फिर भी इनका जो एक सेंसेशन आ चुका था, लेकिन फिर एक मूवी आती है, इनके पास ऑस्कर था, ग्लोबल अवार्ड सब कुछ था, लेकिन टॉम क्रूज आती है, फिर इनकी पहली मूवी आती है मिशन इम्पॉसिबल जेरी मैग्वायर, मतलब सीरियस इस फिल्म ने क्या ही करा है इनको। इस टाइम पर ये सिर्फ छोटे से 14 साल के थे, और यहाँ पर इन्होंने सिर्फ ये एक्टिंग ही नहीं, एक वो भी थे प्रोड्यूसर, $80 million में फिल्म बनी थी, और ये इसके एक्टर भी थे प्रोड्यूसर भी थे 14 साल की उम्र में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसने ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ा था अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में $11.8 million वर्ल्ड वाइड पहले दिन का बता रहा हूँ, जब ये 22 में 1996 को आई थी लोग पागल हो गए थे, लोग घर बार छोड़ के सिर्फ इसको देखने जा रहे थे। फिर इसके बाद टॉम क्रूज को एक $20 million का पे चेक भी मिलता है, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर भी उनकी फीस बन रही थी। फिर इसके बाद एक और मूवी आती है जैकी मैग्वायर, एक अगर सुपर हिट मूवी होती है उस टाइम की ये भी, और टॉम क्रूज को फिर ऑस्कर नॉमिनेशन मिलती है, और इसमें से एक ऑस्कर जो है टॉम क्रूज को भी मिल जाता है, मतलब उस टाइम पर उन्होंने ऑस्कर जीत लिया सीरियस, जब हम लोग इनको जानते भी नहीं थे यार। फिर इसके बाद इनकी कहानी चलती रहती है, ये म्यूजिक भी अपने दिमाग मतलब कॉमेडी वगैरह मूवीज़ भी करते रहते हैं, इनकी पॉपुलरिटी पीक पे होती है। फिर उन्होंने एक मूवी करते हैं मैट्रिक्स, जो काफ़ी चलती है। फिर ये एक नई अप्रोच लेते हैं अपनी वाइफ निकोल किडमैन के साथ में, एक आइज वाइड शर्ट, ये थोड़ी एडल्ट मूवी होती है, लेकिन इसमें भी टॉम क्रूज का काम काफ़ी अच्छा था। फिर इसके बाद वो दोबारा आते हैं थॉमस एडिसन मैग्नोलिया की फिल्म में, जहाँ पे इन्होंने मैग्नोलिया मूवी की थी और सपोर्टिंग रोल किया था, इसकी वजह से इनको एक और अवार्ड नॉमिनेशन मिल गई थी। ये ठीक ठाक हिट हुई थी मूवी, लेकिन सुपर हिट नहीं थी ये मूवी, इसके काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद आती है मिशन इम्पॉसिबल 2 की बारी, जहाँ पर टॉम क्रूज को करना था एक खतरनाक डायरेक्टर के साथ में काम, और एक खतरनाक मतलब क्लासिक स्टंट जो आज तक हम सबको याद है, जो चट्टान पे चढ़े थे ना, आज भी देखते हो देखोगे ना तो अच्छा ही लगेगा इसको, बहुत ही बढ़िया, मतलब बॉस ऑफिस से बमार आ गए थे, क्योंकि इन्हें क्रॉस किए थे $547 million, और ये इनके करियर की 2000 टाइम की हाइस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी उस टाइम की, और इनके करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी भी यही थी। टॉम क्रूज की जर्नी जो है बहुत बढ़िया हो गई थी, इस वजह से वो समझ गए थे कि मेरे जो स्टंट्स थे बहुत ज़्यादा फेमस होते, जिस वजह से उन्होंने और भी अपना लेवल बनाना चालू कर दिया था। इन्होंने एक मूवी करी जहाँ, लेकिन उसके बाद जो है किडमैन की जो वाइफ थी इनका डिवोर्स हो गया था, हालांकि नशा वजह कर सकते थे, लेकिन उस टाइम को छोड़ के अपने काम पर ध्यान दिया। ये 10 मूवीज़ कर चुके थे, जिसमें 10 में से 9 जो मूवीज़ थी उस टाइम की $100 million क्रॉस कर चुकी थी, और 1986 से लेकर 2006 तक 20 मूवीज़ की हैं, जिसमें से जो 19 हैं वो 14 रैंक में आती है पूरे नॉर्थ अमेरिका में, मतलब पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री में 14 रैंक्स पे आती है मूवीज़, और ये काफ़ी मस्त है, मतलब बहुत ही बढ़िया बात है ये। अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़े तो इस टाइम हर मूवी की $100 million क्रॉस है उस टाइम से लेके अब तक, मतलब 20 साल में 2006 तक की बात बता रहा हूँ आपको ये। इसके बाद जो इनकी थोड़ी पब्लिक की जो ख़राब होने लगती है, कैमरा मतलब कि जो मीडिया वाले थोड़े इनको गिराने लगते हैं, जब इनका डिवोर्स होता है बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू बाहर आते हैं, लेकिन टॉम को ज़्यादा ध्यान नहीं देते नेगेटिविटी पर, वो अपने काम पर फोकस ज़्यादा करते हैं, यही इनकी सबसे खास बात रही है। कई बार डिवोर्स इनको 3 शादी हो चुकी है बेसिकली इनकी, लेकिन 3 बार डिवोर्स हुआ है। फिर इनके बाद एक इनकी फ्लॉप टाइप मूवी आती है लायंस फॉर लैम, ये बट ठीक ठाक थी, मतलब ठीक ही पैसे कमाए थे, पैसे भी छोड़ो इसको जो है क्रिटिक्स बस ठीक ठाक ही मिल रहा था। फिर इसके बाद आती है ट्रॉपिक थंडर, ये भी जो है बस ठीक ठाक की मूवी थी, इन्होंने अच्छी खास एक्टिंग करी थी, लेकिन हाँ इनको जो इसके लिए अवार्ड मिला था क्योंकि इसको ग्लोबल नॉमिनेशन मिलने लगी थी, लेकिन बस ये भी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी। फिर एक आती है 2008 में वैलकरी, जहाँ पे वे वैलकरी का रोल करते हैं पूरा, और इनको जो है कमर्शियल सक्सेस यहाँ पे मिल गई थी। फिर इसके बाद आती है 2010 में नाइट एंड डे, ये भी ठीक ठाक मूवी थी, लेकिन इनका कमबैक नहीं हो पा रहा था, जो बेंचमार्क टॉम क्रूज ने सेट करा था 2000 में मिशन इम्पॉसिबल 2 से, वैसी बात नहीं आ रही। तो क्या बात थी भाई, आ गई थी मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल 2011 में, ये इनकी स्टार पावर की सबसे बढ़िया मूवी थी उस टाइम की, क्योंकि अभी भी है उस टाइम बहुत आती 145 मिलियन डॉलर बनी थी, और फिल्म ने $700 million कमाए थे वर्ल्ड वाइड। तब तक जो है ना हॉलीवुड क्या बॉलीवुड में एक नाम हो गया था, मुझे याद है मैंने मूवी देखी थी और बहुत ही अच्छी लगी थी। टॉम क्रूज भाई साहब क्या ही लगे थे, उन्होंने अच्छे से स्विम करे थे और कितने ज़्यादा स्मार्ट लगे थे मैं आपको बता नहीं सकता, आपने देखी होगी यार, साइड से पता है। फिर बुर्ज खलीफा पे चढ़ना, 828 मीटर की स्पीड से कूदना, रस्सी के सहारे से थ्रू, ये सब खुद करते हैं किसी ग्रीन स्किन के। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं 2015 में मिशन इम्पॉसिबल रेगुलेशन में, जहाँ पे सिर्फ रस्सी के थ्रू टिकॉफ चलते हुए प्लेन पे
लटक जाते हैं सिर्फ रिटर्न करने के लिए। हालांकि ये मूवी जो अपने पिछली मूवी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई थी, लेकिन ये कमर्शियल सक्सेस थी, पूरी तरीके से सक्सेस थी मूवी, क्योंकि इसने जो है वर्ल्ड वाइड कमाए थे आई गेस 546 मिलियन डॉलर कमाए थे इसने, और उस टाइम पर 1 करोड़ फॉर द ईयर रही थी। फिर इसके बाद आती है द मम्मी 2017 में, जहाँ पर ये थोड़ी डिसअपॉइंटेड मूवी थी इनकी, ये भी नहीं चली थी। लेकिन भाई जब भी इनका करियर डूबता है ना, तभी मिशन इम्पॉसिबल आई थी इनको बचाने। फिर आती है मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट 2018, जिसमें इन्होंने 7,000 मीटर से स्काई डाइविंग की थी, और इस शॉट को लेने के लिए उन्होंने 106 बार स्काई डाइविंग की थी, ताकि इनका परफेक्ट एंगल आ सके, परफेक्ट जंप दिख सके, परफेक्ट सिचुएशन दिख सके, ताकि इनका एक्टर के जो है सब कुछ सही लगे। और कैमरे इनके थोड़े पे चिपका हुआ था, खैर जो है काम वो चल रहा था, और बहुत ही अच्छे स्टंट थे, बहुत ही सरप्राइज मूवी थी। वैसे अब तक मिशन इम्पॉसिबल आपकी कौन सी फेवरेट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Which is jumping from very high altitude and we open low. So what does very low mean? या आपको पता होगा उस मूवी में एक और ने जंप की वजह से इनका जो है थोड़ा इनका एंकल जो है वो टूट गया था, लेकिन इनका डेडिकेशन ने इस फिल्म को क्रॉस करा था 790 मिलियन डॉलर, मतलब इन्हें गोस्ट वो जो 2000 वाली थी थर्ड वाली थी ना, वो उनने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर इसके बाद एक खबर आने लगी थी कि जो साइंस फिक्शन मूवी वो रिकॉर्ड करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, वो स्पेस में जाकर, ये जो है नासा के डायरेक्टर ने बोला था कि हाँ ये हम प्रोड्यूसर को भेज रहे हैं, इनको कुछ काम करना है स्पेस में जाएंगे मूवी के लिए। लेकिन फिर 2021 में रशिया ने भी ये सेम प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जब भी पता लगा था कि भाई सब की क्या ये स्पेस में जाएंगे करने वाले, तो सब पागल हो गए थे कि सच में ऐसा होने वाला है। लेकिन फिर COVID-19 में दिक्कत हो गई, इस वजह से ये फिल्म जो है साइंस फिक्शन वहाँ पर नहीं जा पाई। लेकिन 60 की एज में कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि अब रिटायर होना चाहिए, लेकिन क्रूज़ जो है अभी शुरुआत ही कर रहे हैं बस। 2022 में आते हैं इनके करियर की बेस्ट मूवी टॉप गन मैवरिक। गाइस सीरियसली इन्होंने इसमें प्रोड्यूसर भी थी इस मूवी की है, और इस मूवी ने जो कमाया था वो आपको पता है ये करियर की नंबर वन मूवी बन चुकी है। हाँ मिशन इम्पॉसिबल की अब तक की नंबर वन मूवी की यही है वो, क्योंकि इन्हें कमाई थी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन डॉलर। अगर काट पीट के रखोगे ना तो 783 मिलियन डॉलर इनका जो प्रॉफिट था, ये बनती है उस टाइम की नॉर्थ अमेरिका हिस्ट्री की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी। उस टाइम पे थिएटर में बॉलीवुड जैसा हाल था, कोई भी नहीं आ रहा था। ये मूवी जब आती है भाई पूरा बॉलीवुड मतलब पूरा हॉलीवुड के लोग वहाँ टूट जाते हैं, और ये मूवी जब बन जाती है नंबर वन इनके करियर की। और अनडाउटली ये जो है बैंकेबल एक्टर है, मतलब जहाँ पैसा लगाओ रिटर्न में लाते ही लाते। अगर हम इनकी जर्नी देखें तो यही एक चार्मिंग स्टार्स लेके ऐसी एक्शन हीरो बने, तो ये आपने देखा कि क्यों ये है ये लिविंग लेजेंड, क्यों है ये एक सुपरस्टार। मुझे बताना मैं चैनल पे किस हॉलीवुड स्टार की जर्नी बताने वाला हूँ, क्योंकि अब एक से एक वीडियोज आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर रख लो। कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट करके जरूर बताना यार, टॉम क्रूज़ से पहनो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना यार मेरे को।